जानते हैं कि पटना में सीटेट और बिहार टीटी अभ्यर्थियों का जो धरना है लगातार जारी है, प्रदर्शन जारी है, तो उसको लेकर सचिवालय से और जो बिहार सरकार है उसकी तरफ से अभी केवल आश्वासन ही दिया गया है कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है, पॉसिबली 2-4 दिन में हमें कोई ना कोई जो विभाग की तरफ से अपडेट है देखने को मिलेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 7th फेज में यदि आप अप्लाई करने वाले हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इस बात की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए यदि आप 7th फेज में अप्लाई करने वाले हैं। बहाली ऑनलाइन मोड में हो, ऑफलाइन मोड में हो, किसी प्रकार से भी आपको अप्लाई करना हो, ये चीज़ें आप ज़रूर जान लेंगे। वैसे भी जो बिहार के शिक्षा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने SCET अभ्यर्थियों के लिए यानी कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक अभ्यर्थियों के लिए जो रिक्तियों की संख्या है, जो बैनर है, जो घोषणा है, उसके माध्यम से कर दी है। तो अब लग रहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए भी और प्रारंभिक के लिए सभी के लिए नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले आपको किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा गौर करना है। आपको बता दें कि देखिए बिहार सरकार का ये जो लेटर है बहुत पहले आया था, इसमें यदि आप सोच रहे हैं कि 7th फेज में आप 1-5 में आप अगर आप ऑलरेडी इन सर्विस हैं, अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं 1-5 में और 1-5 में ही पुनः आप ट्रांसफ़र के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, फिर से अप्लाई करना चाहते हैं कि मैं अपने ज़िले में चला जाऊँ या फिर मुझे मनचाहा डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, तो देखिए इस पत्र का अध्ययन आप लोग ज़रूर कर लेंगे। आप लोग उच्च ग्रेड में यानी कि अगर आप 1-5 में हैं तो 6-8 में आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो, और यदि आप 6-8 में हैं तो उससे ऊपर यानी कि जो हाई स्कूल वाला है, माध्यमिक वाला और उच्च माध्यमिक वाला, उसके लिए यदि आप एलिजिबल हैं, SCET में BEd पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लेटर बिहार राज्यपाल के आदेश, जो थे सुनील कुमार सिंह संयुक्त सचिव हैं, उनके आदेश से ये लेटर निकाला गया था, जिसमें देखिए 5th पॉइंट पर यदि आप नज़र डालेंगे तो लिखा है कि पूर्व से नियोजित शिक्षक जो TET उत्तीर्ण हैं और वर्तमान में नियोजन हेतु आवेदन देना चाहते हैं, वे उच्च नियत वेतन के पद पर नियोजन हेतु उचित स्रोत के अग्रसारण से आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कि आप वर्ग 1-5 के शिक्षक हैं तो स्नातक ग्रेड में यानी कि मध्य विद्यालय के लिए आप पद पर अप्लाई कर सकते हैं उसी के माध्यम से, साथ ही बेसिक ग्रेड वर्ग 1-5 मध्य विद्यालय के स्नातक शिक्षक के पद पर कार्यरत यदि जो शिक्षक हैं यानी कि जैसे मैंने बोला कि 6-8 में यदि आप कार्यरत हैं तो आप माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास BEd और SCET की जो क्वालिफिकेशन है वह होनी चाहिए। यहाँ पर यह भी मेंशन है कि यदि कोई शिक्षक समान नियत वेतन के पद पर आवेदन करता है, नियोजन इकाई में जाता है और उसका चयन यदि हो भी जाता है काउंसलिंग के दौरान, तो वह निरस्त माना जाएगा, यानी कि आप जो सेम लेवल है, सेम ग्रेड है, उस पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप उससे जो ऊपर जो वर्ग है उसके लिए आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स होपफुली जो नोटिफिकेशन है 7th फेज का 1-2 दिन में जारी हो जाए, इसकी कोई ना कोई घोषणा जो है बिहार सरकार या फिर सचिवालय से जरूर की जाएगी, क्योंकि 7वें चरण का घोषणा कब तक है, क्योंकि इनका कहना है कि हमारी उम्र निकलती जा रही है, हम 3-4 साल से संघर्षरत हैं और अभी तक इस पूरे मामले पर कहीं कोई आश्वासन नहीं मिल पाया। लेकिन एक सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जो हमारे पास आज जो हमने अपने शिक्षा विभाग के सूत्रों से जानकारी ली, सरकार एक प्रोफॉर्मा तैयार कर रही है, 7वें चरण को लेकर सरकार बहुत जल्द घोषणा करने जा रही है। हो सकता है वो घोषणा अगले 2-4 दिन में भी हो जाए, 5 दिन में हो जाए, लेकिन सरकार 2-4-5 दिन में ये घोषणा कर देगी कि 7वां चरण कब से होने वाले, हमारे पास जानकारी आ रही है। तो निश्चित तौर पर देखिए ये नहीं है प्रजातांत्रिक अधिकार। आपके इस खबर से निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी है उनको राहत जरूर सुकून मिली होगी, लेकिन कई बार कहते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कई बार आश्वासन दिया लेकिन उस पर हुआ कुछ नहीं, क्या लग रहा है कि कितनी उम्मीद है कि अब सरकारी दिशा में आगे बढ़े? देखिए सरकारी काम का एक अपना प्रोसेस होता है, प्राइवेट काम तो है नहीं। 6ठा चरण अभी समाप्त हुआ है फाइनली और वो उसको बाइंड कर दिया गया, अब 6ठे चरण में कोई नियुक्ति नहीं होगी। अब 7वें चरण के सरकार पूरे जिला के अधिकारियों से बात कर रही है और पूरी तरीके से शेड्यूल तैयार होगा, जब 7वां चरण तैयार होगा तब फिर सभी अधिकारियों को उसमें लगना पड़ेगा, DM से लेकर के DDC, BDO, CO, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, DO, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, तो एक शेड्यूल तैयार होगा। उस शेड्यूल के चूंकि सरकार के पास बहुत काम है तो सरकार ये देख रही है कि कौन कौन से डेट में कब कब रखा जाए जिससे सरकार के विकास का कार्य भी हैम्पर ना हो, यही कारण है लेट हो रहा है। मैं स्पष्ट उनको बता रहा हूँ, सरकार जो हमारी बातचीत हुई है शिक्षा मंत्री से, सरकार की मंशा बिल्कुल गलत नहीं। अब देखिए शारीरिक परीक्षा वाले का सब कुछ होने जा रहा है, सर ये चौधरी का कहना है कि हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है, हम स्कूल में तब तक नियुक्ति जारी रखेंगे तब तक वैकेंसी भर नहीं जाए। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इस कशिश इससे बता रहा हूँ, मेरे पास जो जानकारी है अगले हो सकता है 2-4 से 5 दिनों में 7वें चरण की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया का ऐलान सरकार कर दे। बहुत अहम खबर हमारे संवाददाता मनु आलम ने दी और जो अभ्यर्थी हैं CTET और BTET के उनके लिए एक राहत भरी खबर है कि अब
जो सूत्रों से खबर मिल रही है और जिस तरीके से खबरें आ रही है कि जल्द ही सरकार इस पर घोषणा कर सकती है और सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी जो है सातवें चरण की नियुक्ति को लेकर जो नोटिफिकेशन और किस तरीके से इसकी पूरी प्रक्रिया किया जाएगा इसके लिए ऐलान हो सकता है। धरना लगातार जारी है। नीतीश कुमार के द्वारा भी घोषणा पत्र यानी कि जो बैनर बनाया गया है उसमें भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली की बात है। तो देखते हैं कि कब ये नोटिफिकेशन आता है। इसी ही कामना के साथ कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आए, इस वीडियो को मैं अभी एंड करती हूँ। आगे कोई भी अपडेट आती है सेवन्थ फेज के आंदोलन से संबंधित या फिर एससीईटी सीटेट अभ्यर्थियों से संबंधित आपसे ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।